गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द न्यू सेशन ऑफ लर्निंग इन दिस लॉकडाउन पीरियड. दिस इज योर अकाउंट्स क्लास ऑफ क्लास 11 एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 4. इट्स नेम इज बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. ठीक है, तो आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही छोटा चैप्टर है और आज ही हम लोग इसको ख़त्म भी कर लेंगे. और साथ ही साथ बस इस चैप्टर में, इस पूरे चैप्टर में आपको दो तरह के अकाउंटिंग को समझना है कि दोनों तरह के अकाउंटिंग होते क्या हैं. ठीक है, तो आप अगर समझ लो इस वर्ल्ड में दो तरह की अकाउंटिंग होती हैं. पहला है एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड दूसरी है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. ठीक है, तो हम लोग दोनों को डिस्कस करेंगे कि एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है एंड कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है एंड दोनों का डिफरेंस क्या होता है. ठीक है, एक्यूरल बेसिस, आई थिंक ये तो आपने पढ़ा है. एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहता है कि अगर कोई ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है, अगर कोई ट्रांजेक्शन होता है तो वहाँ पे आपको कैश रिसीव होता हो या नहीं होता हो. मान लो मैंने मिस्टर राम को, ठीक है, मिस्टर राम को गुड्स दिया 10 रुपीज़ का. ठीक है, मिस्टर राम ने कहा कि ये 10 रुपीज़ वो मुझे 5 दिन बाद देंगे. ठीक है, तो हमारे बीच तो ट्रांजेक्शन हो गया, मैंने उसको गुड्स दे दिया एंड मिस्टर राम के माथे में एक बर्डन आ गया कि मुझे 10 रुपये देना है. ठीक है, तो हमारे बीच में तो ट्रांजेक्शन हो गया, तो मैं ये क्या करूँगी, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसको रिकॉर्ड कर लूँगी, भले ही मुझे कैश मिले या ना मिले. दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर मी इन एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर मी कि मुझे कैश मिलता है हाथ में या नहीं मिलता है. बस मुझे क्या करना है, उसको रिकॉर्ड कर लेना है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. एंड दिस मेथड इज कॉल्ड एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. अब इधर हम देखते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. ओके, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहता है कि अगर आपको कैश हाथ में मिलता है, ठीक है, अगर आपको कैश हाथ में मिलता है तभी आप उस ट्रांजेक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड करोगे. ओके, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहता है कि अगर आपको हाथ में कैश मिलता है, अगर आपको कोई कैश पेमेंट करता है तभी आप उसको बुक्स में रिकॉर्ड करोगे, वरना रिकॉर्ड नहीं करोगे. ठीक है, तो बस इसी को हम लोग देखते हैं, इसकी दोनों की डिफरेंस देखते हैं. अब हम लोग को मीनिंग तो समझ में आ ही गया आपको, दोनों की डिफरेंस देखते हैं. ये बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड. इस वाले मेथड में बोथ कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं और इस वाले में ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड. ओके, सेकंड में क्या है, इसमें क्या होता है, करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें मिलता है. इस वजह से वर्ल्ड के सारे लोग एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ही यूज करते हैं, क्योंकि आप ऐसा कोई बिजनेस नहीं होता है जहां पे आप सिर्फ कैश ट्रांजेक्शंस करोगे, कभी भी क्रेडिट ट्रांजेक्शंस नहीं करोगे. ऐसा कोई बिजनेस होता ही नहीं है, हमेशा आपको कभी ना कभी किसी ना किसी के साथ क्रेडिट ट्रांजेक्शंस करना ही पड़ेगा. ठीक है, दैट इज वाई द होल वर्ल्ड इज यूजिंग दिस एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग टू रिकॉर्ड देयर ट्रांजेक्शंस इन देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ओके, तो हम लोग यहाँ करेंगे कि हमें यहाँ पे करेक्ट प्रॉफिट और लॉस इज एसर्टेन. हमें यहाँ पे करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस मिल जाता है. क्यों मिलता है, क्योंकि हम बोथ
कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए हमें करेक्ट प्रॉफिट या फिर करेक्ट लॉस यहाँ पे मिल जाता है। बट यहाँ पे हमें करेक्ट प्रॉफिट या फिर करेक्ट लॉस नहीं मिल पाता है, करेक्ट प्रॉफिट और लॉस इज नॉट एज सर्टन। ओके, देन द थर्ड, इसको दिस एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इट रिकॉग्नाइज्ड बाय कंपनीज एक्ट 2013। एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को कहां से मान्यता प्राप्त है? कंपनीज एक्ट 2013 से मान्यता या फिर रिकॉग्नाइजेशन मिला हुआ है, दैट इज व्हाई एवरीवन यूजेस दिस मेथड ऑफ अकाउंटिंग। ओके, नो रिकॉग्नाइजेशन बाय कंपनीज एक्ट 2013, बट कंपनीज एक्ट 2013 से इनको कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला हुआ है। ओके, देन द फोर्थ इज दिस मेथड इज मोर रिलायबल, क्योंकि ये आपको करेक्ट प्रॉफिट एंड करेक्ट लॉस दिखाती है, दैट इज वाई दिस इज मोर रिलायबल। मतलब रिलायबल मतलब भरोसेमंद, जिस पर आप बहुत ज्यादा भरोसा करते हो, ठीक है। एंड दिस वन इज लेस रिलायबल। दिस इज मोर साइंटिफिक। This is more scientific and this is less scientific. Okay. इसमें matching principle जो होता है, matching principle वो follow होता है, ठीक है। मैचिंग प्रिंसिपल इज फॉलोड और इसमें मैचिंग प्रिंसिपल इज नॉट फॉलोड। स्पल इज नॉट फॉलोड। ओके, इन दिस केस मैचिंग प्रिंसिपल इज फॉलोड, in this case matching principle is not followed. Okay, and last but not the least is outstanding. ठीक है, outstanding expenses या फिर prepaid expenses are adjusted in this basis of accounting। हम लोगों ने जो जो दो टर्म्स पढ़ा था ना, outstanding expenses पढ़ा था and prepaid expenses, ये दोनों इस accounting में adjust हो जाते हैं, ठीक है। outstanding and prepaid expenses both are adjusted in this basis of accounting, but in the cash basis of accounting, outstanding, this is the short form of outstanding, okay, OS, outstanding expenses, and this is the short form of expenses, and prepaid expenses is not adjusted in this basis of
अकाउंटिंग। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर यहीं आज ख़त्म हो जाता है। बहुत ही छोटा चैप्टर था, इसमें बस आपको दो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ने होते हैं, एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्यूरल बेसिस कहता है कि अगर कोई ट्रांजेक्शन होता है उसमें आपको पैसा रिस्क मिलता हो या फिर नहीं मिलता हो, कैश हाथ में आता है या फिर नहीं आता है, बस आपको रिकॉर्ड जरूर करना है उस ट्रांजेक्शन को। बट कैश बेसिस कहता है कि आपको रिकॉर्ड तब तक नहीं करना है जब तक आपको पैसा ना मिल जाए। ओके, तो दोनों का डिफरेंसेस भी मैंने आपको समझा दिया है, एज वेल एज मीनिंग भी समझा दिया है। होमवर्क में आप क्या करोगे, यू हैव टू डू ऑल द हॉर्स क्वेश्चन और द मल्टीपल क्वेश्चन एंड शॉर्ट टर्म्स, जो शॉर्ट वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो भी आपको करने हैं, तीनों को पढ़ने हैं एंड अपने से मार्क करने हैं और लाइन बाय लाइन आपको रीड करने हैं। ओके, सो होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो एंड होप यू विल स्टडी वेल। So I'm ending my video here only, and thank you and keep learning.